चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट कराए, दो भाग हमने कंप्लीट किए। एक एक चीज़ हमने डेप्थ में समझी कि क्यों भारतीय संविधान विश्व के 60 मुल्कों से प्रेरणा तो लेता है, कई बिंदुओं को समझता है, लेकिन फिर भी किसी के जैसा नहीं, अपने आप में ही है द स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसके सेलियंट फीचर्स की वजह से। लेकिन इन सेलियंट फीचर्स का जन्म क्यों होता है, क्यों संविधान इतना अद्भुत, इतना विलक्षणा, इतना उत्कृष्ट है, क्योंकि एक प्रीएम्बल है, एक प्रस्तावना है जो हमारे संविधान को बहुत भिन्न बनाती है। तो आप कहेंगे सर बाकी संविधानों के साथ प्रस्तावना नहीं होती, होती है, लेकिन प्रस्तावना में किस तरह के शब्दों का चयन हुआ, किस तरह के सिद्धांत बताए गए, कैसे प्रिंसिपल्स, किन मूल्यों को स्थापित किया गया यानी कि वैल्यूज़, और किस तरह के लक्ष्य और उद्देश्य हमने रखे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, इनसे प्रमाणित होता है कि प्रस्तावना कैसी है। इसी पर हमें बात करनी है। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रीएम्बल। आवाज़ निकालो कि पता लगे कि तुम हो, डरते क्यों हो। चल तो प्रीएम्बल आज का हमारा लेक्चर है। डस्ट का कोई पार्टिकल अगर अंदर चला गया और मैं छींक आ गई इन रिस्पॉन्स, तो इट इज़ माई इम्यूनिटी, ओके, नथिंग टू पैनिक अबाउट दैट। तो प्रीएम्बल पे आज हमारा लेक्चर है। ऑर्गेनिकली चलेंगे, धीरे धीरे करके पूरा आपको समझाएंगे। प्रीएम्बल का अर्थ क्या है? प्रस्तावना, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। क्या प्रस्तावना? प्रस्ताव है एक तरह का, दिखा रहा है आपको कि इसके बाद जो पूरा डॉक्यूमेंट आप स्टडी करेंगे वो क्या है, कैसा है, किस तरह से आप उसे समझ सकते हैं, यही है प्रीएम्बल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये एक प्रीफेस है, एक तरह से ये एक इंट्रोडक्शन है। तो कई बार इसे इंट्रोडक्शन कह दिया जाएगा, प्रीफेस किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज बीइंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किताबों के पहले प्रीफेस लिखा होता है, उस प्रीफेस में उस ऑथर ने समझाया होता है कि उसकी इच्छा क्या रही इसे लिखते हुए, किन किन सिद्धांतों की उसने पालना की, किस समझ बूझ के साथ उसने इसे लिखा, किन किन चैप्टर्स को उसने इसमें लिया अपनी बात को स्थापित करने के लिए। उसे पढ़ करके ही आपको ये समझ आ जाता है ना कि किताब के भीतर अब हमें क्या मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से जब आप प्रीएम्बल को देख लेते हैं तो आपको एक तरह से ये समझ आने लग जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या होगा, इसके भीतर क्या है। इसकी वजह से ही NA पालखी वाला इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि आईडी कार्ड है, NA पालखी वाला ऐसा कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। चले प्रमाणित करते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, प्रीएम्बल किस चिड़िया का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर उस दिन से चर्चा कर रहे हैं उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए हमने आपको पढ़ाया था स्टेट, स्टेट अच्छे से डेप्थ में लेक्चर दिया था, क्या होता है स्टेट हमने पढ़ा, द स्टेट चैप्टर आपके सामने है, आप वहाँ से लेक्चर आपके सामने है, वहाँ से पढ़िए। हमने आपको ये बताया कि इंडिविजुअल्स सोसाइटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप्स में। तो हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल्स जैसे आप मैं हम सब हैं, आप मुझे ये बताइए अभी हम यहाँ पर है तो इंडिविजुअल्स, हम एक क्लास की रूप में एक ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए कि नहीं। इंडिविजुअल्स ऑलवेज ट्राई करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होने के। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, वो अपना सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको अपनी एक सर्वाइवल चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। ये सब चीज़ों की वजह से इंडिविजुअल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। लाइकवाइज आपको नॉलेज चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप यहाँ इस क्लास में आए, आप एक इंडिविजुअल थे, आप किसके साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े।
हम दोनों ने मिलकर के एक पेयरिंग बनाई। क्यों बनाई? मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे काम करना है। सबसे पहला एस्पेक्ट, नेचुरली मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, मेरे अर्थ को यहाँ से सिद्ध होना है। दूसरा, मुझे एक सोसाइटी के लिए ऐसे एसेट्स क्रिएट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफिसर्स जो कंट्री को अपलिफ्ट करें और उस लेवल तक ले जाएं जहां पर हम एक ट्रू इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करें। तो हमारे कई तरह के स्पिरिचुअल मटेरियल थॉट हो सकते हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, सही बात। तो हम एक दूसरे के साथ यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारी एस्पिरेशंस ही ना जिन्हें हम फुलफ़िल करना चाहते हैं। फिर आप आए, आपके जैसे कई और भी आए, फिर मैं आया, मेरे जैसे कई और टीचर भी आए, तो एक बड़ा ग्रुप बना, हेल्दी ग्रुप बना, हम समाज में परिभाषित हो गए, एक समाज बना, एक जमात बनी हमारी। जमात, क्लास को जमात भी कहते हैं, है ना। क्या जमात बनी? पढ़ने वाले, आप और मैं, हम दोनों कौन हैं? आप विद्यार्थी हैं मान लीजिए और मैं शिक्षक हूँ, लेकिन हम दोनों तो एक तरह से शोध ही कर रहे हैं ना, तो हम शोधार्थी हैं। तो हमने एक जमात स्थापित की शोधार्थियों की, आप भी शोध करिए, मैं भी शोध करता हूँ, शोध करके हम एक ऐसी शख्सियत का निर्माण करेंगे। शोध का मतलब रिसर्च, जांच। शोध करके हम एक ऐसी शख्सियत का निर्माण करेंगे जो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करें, आप अपनी, मैं अपनी। तो सही मायने में हम एक समाज के तौर पर एकत्रित हो रहे हैं, हम एक समाज के तौर पर समझे जा रहे हैं। पढ़े लिखे, पढ़े लिखों का एक समाज, जो बाहर खड़े लोग हैं वो यही कहेंगे कि बड़े पढ़ाकू लोग हैं यार, बहुत पढ़ते रहते हैं सारा टाइम, अंदर पढ़ते रहते हैं, इनका अपना एक सिस्टम है, हमारा अपना एक सिस्टम है, है ना। तो हमने ये बताया था कि इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तो समाज बना। जो समाज बना है, तो ये जो समाज है, यानी कि हमारी ये जो क्लास है, नेचुरल सी बात है, आप सब प्रतिस्पर्धा में हैं। आप सबको एक पोस्ट चाहिए ना सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट की, तो आप अकेले तो नहीं फाइट कर रहे ना इंडिविजुअली, कई सारे आपके जैसे एस्पिरेंट्स उस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हम सब एक क्लास में तो हैं, हम सब एक ग्रुप में तो हैं, लेकिन हम सब में आपस में एक प्रतिस्पर्धा भी तो है, एक कॉम्पिटिशन भी तो है। तो जहाँ रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर पोजीशंस लिमिटेड हैं और उस पोजीशन के लिए एस्पिरेंट्स कई ज़्यादा हैं, नेचुरली वहाँ पर कुछ तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, जेलसी की भावना आ सकती है, एनवी की फीलिंग आ सकती है, राइवलरी भी आ सकती है। इस तरह की भावनाओं को, जो कि समाज को ऑब्स्ट्रक्ट करें विकास करने से, जो कि आपको नकारात्मक रास्ते की ओर ले जाएं, जो कि आपको अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल ना करने दें, इन्हें रोकना भी तो है। हो सकता है कुछ लोग संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहें, रिसोर्सेज को मोनोपलाइज करना चाहें, कैप्चर करना चाहें, फिर क्या होगा? वो तो अच्छी चीज़ नहीं। तो फिर समाज ने देखा, यार ये तो हम ग्रुप में तो हैं, हम एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या बड़ी है। समस्या क्या है? कहते अब सब अपने अपने लिए भी तो सोच रहे हैं, ग्रुप में आने का पर्पस तो यही था, लेकिन इस तरह से सभी अब अपने अपने लिए सोचने लगेंगे तो फिर ग्रुप का, सोसाइटी का होने का कोई पर्पस नहीं। और अगर सोसाइटी नहीं तो फिर अपने अपने लिए हम कितना भी सोचते रहें लेकिन हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, रहना तो हमें समाज में ही, तो फिर क्या करें? तो फिर समाज ने निर्धारित किया कि यार हमें कुछ नियम स्थापित करने चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। उन रूल रेगुलेशन के दम पर समाज चलना चाहिए, रिसोर्सेज उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, जो मेरिट पे काम करेगा वो उस पोजीशन पर पहुंचेगा। समाज ने कहा ये ठीक है, ये तो रूल बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन समाज ने कहा यार कौन से रूल होने चाहिए, कौन से नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? किसकी इच्छा के रूल होने चाहिए, किसकी इच्छा के नहीं होने चाहिए, ये कौन करेगा? तो समाज ने कहा यार जो भी गुण धर्म जनहित में हैं और समूचा विकास, सबका विकास करते हैं, और उसके तहत किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी हार्म नहीं होती कि वो अपनी एस्पिरेशंस को भी फुलफिल कर सके, इस तरह के कॉमन आइडेंटिफाई करने में
कॉमन एस्पिरेशंस, कॉमन गोल, रिसोर्सेज पे सबका अधिकार हो, इस तरह के नियम बनाने। तो फिर हमने कॉमन्स डेवलप करने शुरू किए, और वो कहाँ से आएंगे? नेचुरली आएंगे, मैं अपने लिए तो सोचूंगा, लेकिन उस सोच में मेरे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, तो अपने लिए वाली उस सोच में से मेरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनकी प्रूनिंग करनी है, ताकि आप भी अपने हितों के विषय में सोच सकें। तो हम अपने अपने विषय में सोचें, अपना विकास करें, लेकिन दूसरे का विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे विचारों में जो दूषित विचार होंगे उनको काट देना है, बढ़िया विचार रख लेने हैं। तो इस तरह के बढ़िया विचारों से इन विचारों का संग्रह कर लें, इन सिद्धांतों को रख लें, उस सोच को रख लेंगे, और फिर इसके तहत हम क्या करेंगे, एक संकल्प लेंगे कि अब इस संकल्प के तहत हमारा समाज चलेगा, इन नियमों के तहत हम चलेंगे। कहते यार बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। तो कहते यार ये नियम हम पालन क्यों करें, मैं नहीं मानता, तुमने नियम बनाया मैं तो नहीं मानता। कहते बेटे तू पालन तो करेगा, तरीका बनाएंगे ना तू तब पालन करेगा। कहते कैसे कैसे पालन होगा? कहते अब हम हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को ये दायित्व देंगे, यह जिम्मेदारी देंगे कि वो हमसे ये नियमों का पालन करवाएं, हमारे लिए इन नियमों के आधार पर कुछ कानून बनाएं, कुछ विधि विधान बनाएं जिनके आधार पर अब हम सब चलेंगे। तो कहते वो कौन होगा? कहते गवर्नमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन। हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम खुद को पॉलिटिकली भी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम एक बॉडी इस्टेब्लिश करेंगे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, जिसका एक अंग नियम बनाने का अंग होगा, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, जिसका एक अंग उन नियमों को क्रियान्वित करने के लिए होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, सरकार, जिसका एक अंग उन नियम कानूनों की पालना कराने के लिए होगा, यानी कि जुडिशरी। तो इन तीन अंगों से सराबोर एक शरीर विकसित करेंगे, सरकार, द गवर्नमेंट, फिर सब कुछ होगा। कहते बढ़िया है यार, गवर्नमेंट बन जाएगी फिर तो काम होगा। तो सोसाइटी ने गवर्नमेंट बनाई, है ना, सोसाइटी की इच्छा से ही गवर्नमेंट आई ना, सोसाइटी चाहती थी तो गवर्नमेंट आई। तो सबसे पहले मनुष्य आया, मनुष्य के आते ही ग्रुप आ गए, समाज आया, समाज से सरकार आई, सरकार समाज से पहले नहीं आ सकती, इसलिए समाज सरकार के लिए समाज बड़े ज़रूरी होते हैं। सरकार आ गई, अच्छा इनमें से कुछ लोग जाके सरकार में बैठ गए, मानते ही नहीं है कि कैसे सरकार, अपनी मर्जी लगे चलाने, कहते पावर कॉरिडोर हमारे पास आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बताते हैं तुमको अब हम सारी रिसोर्सेज हमारे भाई भतीजों के, सारी पोजीशन हमारी, कोई मेरिट मुरिट नहीं, बस हो गया, तुमने हमें चुन दिया, अब हम निरंकुश हो गए हैं, एब्सोल्यूट, हम पर कोई रोक नहीं, अब हम हेरिडिटरी हो गए, वंशानुगत, और हम परपेचुअल हो गए हैं हमेशा के लिए, जब तुम कर लो जो करना है। तो उन्होंने कहा ये तो कांड हो गया यार, कहते ऐसे कांड नहीं होने चाहिए, इसके लिए एक बुद्धिजीवी जन्म, कहते तुमने समाज में परिवर्तित हुए थे, तुमने अपने के लिए एक समाज सरकार बना ली, लेकिन तुम शुरुआत भूल गए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि सर्वोच्च गुणों को चुनेंगे, सबके बीच निहित सर्वोच्च गुणों को, कॉमन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कहते उसको क्या कहेंगे? कहते राज्य, स्टेट, स्टेट जो दिखेगा नहीं लेकिन होगा। कहते वो कहाँ होगा? कहते तुमसे ही एक स्टेट निकलेगा, कि कैसा राज्य हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के कान खींच के रखेगा, ये गवर्नमेंट को बताएगा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी सभी सिद्धांत इस स्टेट के वाया गवर्नमेंट को कम्युनिकेट होंगे, और गवर्नमेंट उसके आधार पर चलेगी। उनका यार ये कम्युनिकेट कौन करेगा, स्टेट बोल तो बहुत कुछ रहा है, स्टेट कम्युनिकेट कैसे करता है, कैसे बात पहुंचेगी, कैसे बोलेगा ना, स्टेट का एक एक्सप्रेशन है ना, कहते क्या, संविधान, बेसिक लॉस, फंडामेंटल लॉस, संविधान स्टेट की वाणी है जो गवर्नमेंट तक जाएगी, और गवर्नमेंट फिर उस संविधान के मुतल्लक काम करेगी, मुताबिक काम करेगी, तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग काम चल रही कर रही है, और स्टेट तुम्हारी पीक लेवल की, हाईएस्ट लेवल की वैल्यू सिस्टम और रियलाइजेशन है, जिसके तहत तुम एक समाज को विकास में ले जाना चाहते थे, स्टेट वो है, स्टेट की उस इच्छा की अभिव्यक्ति संविधान के वाया सरकार में हो रही है।
और सरकार उसी संविधान से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रक्चर लेगी, पावर लेगी, ऑर्गेनाइजेशंस लेगी और काम करेगी। सिंपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जन्म ले गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सरकारें जन्म लेती हैं और उन्हीं सरकारों के तहत समाज नियंत्रित होता है, विकास करता है। इस तरह से ये सिस्टम बनता है। इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं समस्या क्या है, तो अब आपको ये मैं पूछूं कि आपको इंडियन स्टेट को समझना है तो आप कहेंगे मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, बात करो स्टेट किधर है। तो इंडियन स्टेट को समझने के लिए स्टेट तो कभी होगा नहीं। स्टेट किससे बनता था, चार एलिमेंट थे, पॉपुलेशन, लोग होंगे तो उन्हें समाज होगा ना, दूसरा टेरिटरी, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा सॉवरेनिटी। ये चार एलिमेंट से स्टेट बनता था। अच्छा, स्टेट नहीं दिखता, एलिमेंट दिखते हैं, तो क्या स्टेट नहीं है? स्टेट है। गैलेक्सीज दिखती हैं, सोलर सिस्टम दिखते हैं, सन दिखते हैं, स्टार दिखते हैं, प्लैनेट दिखते हैं, यूनिवर्स दिखता है नहीं, पर है ना। किससे दिखता है? इनसे दिखता है, यूनिवर्स के एलिमेंट से दिखता है। ठीक, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेंटी है, गवर्नमेंट है, तो स्टेट है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, क्योंकि दिख रहा है, पता है हमें, आई बात समझ में। तो ये तो स्टेट के एलिमेंट हो गए, ये हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अब आपसे कोई पूछे कि भाई इन एलिमेंट्स को पाया गया है, इसका मतलब आप यहाँ खड़े हैं, आप मुझे कह रहे हैं सर मुझे नहीं यकीन कि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। मैंने कहा है ना, आओ देखें। हमने कहा हाँ बताइए। देखिए, गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सितारे भी हैं, ग्रह भी हैं, प्लैनेट भी हैं, उपग्रह भी हैं, सब कुछ है, ये ब्रह्मांड ही तो है। आपने कहा हाँ ये सब है, मैं मान गई ब्रह्मांड तो है, तो ये एलिमेंट हैं, आप मान गए स्टेट तो है ना। लेकिन आपने पूछा सर ये स्टेट कैसा है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे मिलना है। तो स्टेट कैसा है इसे समझने के लिए मैं आपको कहूँगा जाओ स्टेट से बतिया लो। और बतियाओगे कैसे, जाओ संविधान पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा स्टेट कैसा है। क्योंकि संविधान कौन है, स्टेट की वाणी है, स्टेट ने बताया है मैं कैसा हूँ, किसके वाया, संविधान के वाया। और संविधान पढ़ करके स्टेट का पता चल जाएगा। और फिर जैसा स्टेट है, संविधान यदि वही है, वही एक्सप्रेस कर रहा है, तो संविधान के मुताबिक ही सरकार चलेगी। सरकार का जन्म संविधान से होगा, सरकार को पावर वहाँ से मिलेगी, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन, सरकार का स्ट्रक्चर फंक्शन सब वहीं से आएगा। तो सरकार एक तरह से ज़मीन पर स्टेट की विल को ही तो एक्सप्रेस कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। तो फिर स्टेट का विजिबल फॉर्म ऑफ पावर कौन है, गवर्नमेंट। अगर स्टेट को चलते फिरते एक्ट करते देखना है तो किसको देखना है, गवर्नमेंट को। सारे इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट के, सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के, सारे ऑर्गेनाइजेशन देख लो, स्टेट दिख जाएगा। लेकिन वो कैसा है प्रकृति में, वो उसके बिहेवियर से पता लगेगा। और वो बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन उसे किस बिहेवियर की पालना करने को कह रहा है, स्टेट। जैसा स्टेट, जैसे शिक्षक वैसे बच्चे। वो किससे पता लगा, शिक्षाओं से। जैसा स्टेट वैसे गवर्नमेंट किससे पता लगा, संविधान से। संविधान आ गया तो बड़ी बात है यार, है ना, बड़ी बात है। इसको निकाल दूँ अभी तो कहानी बदल जाएगी। स्टेट तो होगा, सोसाइटी भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी। समझ में नहीं आएगा कैसी गवर्नमेंट, समझ में नहीं आएगा सिस्टम कैसा। अब आप पूछेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने चिल्ला क्यों रहे थे यार, इसमें समझ में नहीं आया कि सिस्टम क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आप, है ना। स्टेट तो उसका भी होता है जो एक राजा होता है, तो मतलब वहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ होगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि लोकतंत्र होगा ही होगा। वो बात अलग है कि मॉडर्न स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का होना इस बात का प्रमाण है कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है। हो सकता है मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया की कुछ कंट्रीज़ की तरह, जहाँ पर किंगडम है, वहाँ के राजाओं ने अपनी मर्जी से एक संविधान भी बना दिया अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। उसमें तो औरतों के लिए बहुत से अधिकार नहीं है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन औरतों को तो अधिकार नहीं दे रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी तो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है
जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ये कैसा लोकतंत्र है? और ये वेलफेयर स्टेट कैसा हुआ जो सिर्फ कुछ ही लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है, कुछ ही लोगों को लाभ के पद प्रदान कर रहा है? ये कैसा स्टेट है भाई? संविधान तो है लेकिन स्टेट वेलफेयर नहीं नज़र आ रहा, ये क्या मतलब है? तो कॉन्स्टिट्यूशन होना ना होना इस बात को पुष्टि नहीं करता कि यहाँ पे लोकतंत्र है। तो आप पूछेंगे फिर सर क्या होना चाहिए कि पुष्टि हो जाए कि लोकतंत्र है? कई बार लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, आज फिर पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर है तो लोकतंत्र होगा, क्योंकि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधानवाद क्या है? रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है, किसी की इच्छा का राज नहीं है, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ किस पे आधारित है? इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ जब कानून है तो फिर कानून की नज़र में तो सभी समान है, भेदभाव नहीं है। देखो जब कानून की बजाय किसी का भी राज होगा फिर कांड होगा। मेरा राज होगा तो मेरे कुछ लोग फेवरेट होंगे, मुझे कुछ लोग अच्छे भी लगते होंगे, कुछ बुरे भी लगते होंगे। मेरा राज होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये महिलाओं के साथ तो अन्याय हुआ। महिलाएं कहेंगी हरप्रीत का राज है, बराबरी नहीं है, समानता नहीं है। लेकिन जब कानून का राज होगा तो मैं तर्क मांगूंगा कि महिलाओं का प्रवेश निषेध क्यों है यार? तो फिर वो ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि कर्ताओं में लिखा ये, तो कहेंगे नहीं इसको इंटरप्रेट करो, ज़रा डीपली इंटरप्रेट करो, समझाओ ज़रा, फिर शोध करके निकाल के लाएंगे कि नहीं बात ऐसी नहीं थी, महिलाओं का प्रवेश तो है। फिर महिलाएं कहेंगी हमारे अधिकार में प्राप्त हुए, कोई पूछेगा क्यों, कहेंगी कानून का राज था ना, रूल ऑफ लॉ था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। संविधानवाद, संविधान का उद्देश्य है कि वो आपको अधिकार दिलाए, समानता दिलाए, आपकी डिग्निटी इंस्टॉल करे, आपको लिबर्टी प्रोवाइड करे, आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करे, आपको फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करे। सही मायने में संविधान का उद्देश्य यह है। लेकिन संविधान यदि नहीं दे रहा है फिर भी एक डॉक्यूमेंट की तरह है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं? तो एक स्टेट में कितनी डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी है, कितनी इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ये डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से पता लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंस या एब्सेंस से नहीं। बात समझ में आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना में भी है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में भी है, डेमोक्रेटिक है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिग्री काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना। इससे क्लियर हो गया कि ऑटोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक है। आई बात समझ में? मैं यहाँ पर आपको एक कहूँ, हमारी क्लास में नियम और कानून बहुत है, हम नियम कानून पे चलने वाले लोग हैं, बहुत सख्त नियम कानून है यहाँ पर। आप बड़े खुश हो जाएं, वाओ वाओ ये क्लास नियम कानून पे चलती है, ये नियम कानूनों वाली क्लास है। चलो आप अंदर आए, थोड़ी देर के बाद नियम पहला, कन्या उठी, जल ग्रहण लगे करने लगी, लड़कियों को लड़कों के बाद पानी पीना ये नियम है। मैं तो यार इस क्लास में आई थी, मुझे तो नियम से चलते हैं ये लोग, नियम कानून है साला, ये कौन सा नियम है लड़कियों लड़कों के बाद पानी पीना है? मज़ा नहीं आया। नियम तो थे यार, रूल तो थे, लॉ तो था यार, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन यार मुझे, मैं ठगी गई। मुझे लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है माने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, जो मैं हमेशा समझती थी, वो नहीं मिला मुझे। लेकिन एक और क्लास में गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमारी क्लास में नियम कानून है और वो नियम कानून हमने मनुष्य के विकास को ध्यान में रख करके बनाए हैं, इसमें समानता प्रदान की गई है, इसमें किसी तरह का रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, ओरिजिन के बेसिस पर हमने भेद नहीं किया। और ऐसे में यदि कोई लड़का किसी लड़की को धक्का मार करके पानी पीने लगे कि तुम्हें पता नहीं है पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को पहले पानी पीना है, तो वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की आत्मा को भेजेगा कि जाओ उसके बल के प्रयोग को कम करो, लड़की के अधिकारों को सुनिश्चित करो। लड़की कहेगी आई एम फीलिंग सिक्योर एंड सेफ,
now this is my country, now I can aspire for the growth and I will cherish this constitution because this constitution is very well guaranteeing my rights. Constitution must be capable to guarantee your rights, to protect your rights, to defend your dignity and to provide you platform for the growth of your aspirations, for the realization of your aim. That is constitution in the form of constitutionalism. तो ये ज़्यादा अच्छा लगा आपको सेकेंड वाला. पहले वाला तो आपको लगा कि ठग लिया यार, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुना करके बेवकूफ बना दिया. आई बात समझ में? अच्छा चलो, अब एक और वो जो क्लास है दूसरी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो था. पहली वाली में कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं दिख रहा था. दूसरी वाली में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, आप बड़े सेफ सिक्योर हो गए, मान गए कि यहाँ पर मैं रहूँगी. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, पहली बार तो शक्ति का प्रयोग हो गया, आपके अधिकार दिला दिए, लेकिन एकदम से उठ खड़े हुए वहाँ के लोग, लड़के ज़्यादा थे, और अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावनाओं का विरोध करने लगे कि हटो, यदि ये संविधान इस तरह की बातें करता है कि वो तुम्हारे अधिकारों को सुरक्षित करेगा, मुझे पीछे ढकेल कर गए, हमें यह स्वीकार नहीं, यह पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर हमारी चलेगी, हम संविधान को बदल डालेंगे. तो यहाँ से एक चीज़ आती है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति आप कितने प्रतिबद्ध हैं, कितनी प्रतिबद्धता है आपकी, ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. समाज प्रतिबद्ध भी तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति, वरना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या करेंगे, आचार डालेंगे. संविधान है, संविधान में संविधानवाद भी है, लेकिन समाज नहीं मान रहा, समाज नहीं मान रहा, डंडे के दम पे कितने दिन मनवा लेंगे, फिर कैसे चलेगा. तो हमारी संविधान में गिवन उन संविधानवादी प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए. प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस में यदि हैं तो उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, देन ओनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विल सर्वाइव, अदरवाइज नॉट. द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बस इन पर ही हम खड़ा कर देंगे सब कुछ. इतनी कहानी समझ आई, समझ में आ रहा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कितना बड़ा, और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो यार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, जितना अच्छा रूल ऑफ लॉ होगा, उतनी अच्छी इक्वालिटी होगी और उतनी ही अच्छी इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी. तो इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है और इगैलिटेरियन स्टेट क्या होता है? इगैलिटेरियन वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, मेरी खुद की भी लिपियाँ हैं कुछ, ये मैंने एल बनाया, पता नहीं क्या बनाया, इगैलिटेरियन. इगैलिटेरियन ये क्या है? इगैलिटेरियन समाज एक ऐसा समाज होता है कुणाल, जिस समाज में समाज इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारे समाज के जो सभी मेंबर हैं क्या उनका विकास हो रहा है कि नहीं. When the member of the society are concerned with the sustainability, with the growth, with the maintenance of the other member of the society, it is egalitarian society. किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, गप्पू जी गम गम, किसी किसी कम कम, है ना, तुम्हारा तुम चलो हमारा हम चले. ये कैसी सोसाइटी है यार, ये तो मारू काटू सोसाइटी है. जिसका बल चल रहा है, जिसका डंडा चल रहा है, वो अपने लिए सब कर रहा है, ख़त्म कहानी, मज़े ले रहा है, और हर कोई एक दूसरे का शोषण कर रहा है, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिसोर्स के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन है. हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक खास बात यह भी थी कि वो केवल भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं कराना चाहता था, वो भारत को भारत की दरिद्रता से भी मुक्त कराना चाहता था. और वो दरिद्रता क्या थी? लो कास्ट का हाई कास्ट के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन. ये समाज कैसा समाज था भाई? इसी समाज के इसी फॉर्म में, इसी वर्जन में अगर आज़ाद हो जाते तो कैसा भारत होता? कॉन्स्टिट्यूशन तो हो भी जाता तक कैसे, ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो भी जाता, कमिटमेंट नहीं होता, मोरालिटी नहीं होती. इसलिए तो बी आर अम्बेडकर चिल्लाते थे कि आई वॉन्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मोर, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विल रिमेन इंटैक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स इट, योर कमिटमेंट इज मस्ट,
अदरवाइज रूल्स कितने दिन फॉलो करा लेगा कोई। तो मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो इगैलिटेरियन हो, जिसमें समाज इस बात से चिंतित है कि उस समाज के जो मेंबर हैं वो मेंबर विकास कर रहे हैं सभी की नहीं, कुछ का विकास तो नहीं हो रहा, सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन और इगैलिटेरियन स्टेट फिर वो स्टेट है जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे सबके एक जैसे विकास की, जो इक्वालिटी इंस्टॉल करने की कोशिश करे, प्रोग्रेसिव। ये नहीं है कि समाज को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे निचले स्तर पर या सबसे घटिया आचरण दिखा रहा है सबको वैसा बना दो, बिगाड़ दो, इक्वल, ओ देखो सारे इक्वल हो गए, एक नशेड़ी था हमने सारे बना दिए। इक्वालिटी शुड नॉट बी रिग्रेसिव, इक्वालिटी मस्ट बी प्रोग्रेसिव। कि देखो वहाँ उस स्तर पर सबको लेकर के जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेल मैनर्ड में होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल नहीं होंगे। यही तो है इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको एंश्योर कराता है इगैलिटेरियन स्टेट। इगैलिटेरियन स्टेट आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा कि आप सभी अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें, विकास कर सकें। लेकिन कैसे करेगा वो स्टेट ऐसा जबकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही नहीं है? कैसे करेगा वो जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति को कमिटमेंट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही नहीं दिख रही? नॉट पॉसिबल, तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के मूल्य, इस तरह के सिद्धांत, इस तरह के उद्देश्य तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक कार्य ऑलवेज उन उद्देश्य, उन मूल्य, उन सिद्धांतों से प्रेरित रहे, उन प्रिंसिपल, उन वैल्यूज, उन ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड रहे। इसके लिए कोई तो दस्तावेज रखना पड़ेगा ना, जिस दस्तावेज के आधार पर संविधान नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखेंगे। वह दस्तावेज जो एक यार्डस्टिक की तरह काम कर रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन उस दिशा में बना कि नहीं बना जैसा हम चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला, वह दस्तावेज है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। वो एक आईडी कार्ड है। जैसे आप स्कूल के कमरे से बाहर घूम रहे हैं पानी का बहाना मार के, आपका आईडी कार्ड चेक करते ही मैडम देख लेगी, सिक्स क्लास के हो, ये नाम है और ये हो, तुम्हारा इस समय बाहर होना तो नहीं बनता था, चलो अंदर। इसी तरह का प्रीफेस पढ़ते ही, प्रीफेस देखते ही बता दोगे कि आगे इतना बड़ा संविधान कैसा है, दैट्स इट। तो प्रीफेस में सिद्धांत है, प्रीफेस में वो मूल्य हैं, वो वैल्यूज हैं, प्रीफेस में वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर आधारित है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस नाम के इन एलिमेंट्स को, यानी कि रेत, बजरी, सीमेंट, पानी, इसके किसी भी एक एलिमेंट को यदि निकाल दोगे, संविधान रूपी ढांचा धर्रा के गिर जाएगा। तो संविधान एक ढांचा है, जो ढांचा किन से बना, किस पे खड़ा, उन एलिमेंट्स से जो एलिमेंट्स प्रीएम्बल में हैं, उनको अल्टर नहीं कर सकते, वरना संविधान रूपी ढांचा गिर जाएगा। इसलिए प्रीएम्बल को यदि अमेंड करना है, प्रीएम्बल के किसी प्रोविजन को, तो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक एलिमेंट कहीं ब्रेच ना हो जाए, वरना संविधान कहाँ रहेगा। सिंपल, ये प्रीएम्बल है, बहुत महत्वपूर्ण है दस्तावेज के तौर पर। अब समझाते हैं कि प्रीएम्बल क्या क्या और कैसे कैसे है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझना अनिवार्य है। जब तक वो नहीं समझोगे कहानी समझ नहीं आएगी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रीएम्बल के कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, समझते हैं। एक आधा शब्द लेफ्ट राइट भी हो सकता है, भावनाएं 10 गुना होंगी, ठीक है ना। शब्द तो देखो आप किताबों में पढ़ लोगे। कैसे पढ़ा जा रहा है प्रीएम्बल, क्या बोल रहा है प्रीएम्बल, कह रहा है वी शब्द बहुत ज़बरदस्त है ना। वी, अब देखो संविधान एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, एक वर्ड और आ गया यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताओ। इतना पढ़ाया है इसके बारे में वैसे मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मेदार माना जाता है। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
क्या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द फंडामेंटल और द बेसिक लॉज, बेसिक रूल्स ऑफ द स्टेट, जो आप चाहते हैं समाज किन्हीं बुनियादी नियमों पर तो चल रहा था ना। कुछ ऐसे लॉज होंगे जो फंडामेंटल होंगे कि ये तो अनिवार्य ही है, फंडामेंटल ही है, इसके बिना समाज चलेगा नहीं। इसी तरह के फंडामेंटल लॉज हैं और इन फंडामेंटल लॉज पर आधारित बाकी के लॉज बनेंगे। इन फंडामेंटल लॉज को फुली इस्टेब्लिश करने के लिए देखो, फंडामेंटल मोटी मोटी बात है, अपन को आईएएस की तैयारी करनी। आके ऐसे ही कहते हो ना कि फंडामेंटल सी बात, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, डीप जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, सारा कुछ है ना। तो उस पर फिर हमने एक एक चीज़ खड़ी की। लेकिन आगे अगर मुझे कहते मुझे डॉक्टर बनना है तो फिर मैं कुछ और करता ना। आगे मुझे कहते मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे और करता। यही कहा ना, मुझे आईएएस बनना है, फिर ही मैंने आगे का खेल खेला। तो फंडामेंटल लॉज होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो बेसिक इसलिए क्योंकि उन्हीं पर आधारित हैं बाकी के रूल्स, फिर तो वो बेसिक ही हुए ना। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि उसी को फिर विस्तृत रूप दिया गया है उसे पूर्णता स्थापित करने के लिए, तो वो फंडामेंटल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है फंडामेंटल लॉज को, बेसिक रूल्स को, और ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई बात समझ में? नियमों को संग्रहित करना, एकत्र करना, निर्मित करना, कॉन्स्टिट्यूट करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शक्ति है। और क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, संविधान जिसमें समस्त विधान है, नियम है, कानून है। आई बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी देश की, जो कि इनडायरेक्टली चुनी गई थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, जिसके मेंबर दो प्रक्रियाओं से चुन करके आए। वो जो इलेक्टेड थे उन्हें चुना प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, और वो जो नॉमिनेट होकर के आए थे प्रिंसली स्टेट्स के वाया, उन्हें प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने नॉमिनेट किया। तो कैंडिडेट दो तरह के थे, एक वो थे जो नॉमिनेटेड थे और एक वो थे जो इलेक्टेड थे। तो टू टाइप ऑफ कैंडिडेट्स वर देयर, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, उनसे बनती हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई बात समझ में? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये एग्जिस्टेंस में आई और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू होने के बाद ये फुली सॉवरेन हो गई। और जब माउंटबेटन का प्लान आ गया था 3 जून को, उसके पहले ही ये देखने लगा था कि अब भारत का आज़ाद होगा और बंटवारा भी होगा। तो जो प्रिंसली स्टेट्स ने शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया था, ग्रेजुअली फिर उन्होंने भी अप्रैल 1947 से शुरू हो करके ज्वाइन करना शुरू कर दिया और बाद में फिर ज्वाइन कर गए। पहले नहीं आए थे, बाद में ज्वाइन कर गए। तो ब्रिटिश इंडिया के इलेक्टेड कैंडिडेट और प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेट कैंडिडेट से बनती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें लगभग स्वतंत्रता संग्राम के सभी बड़े नेता, सभी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, उन्होंने आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है प्रीएम्बल, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो प्रीएम्बल क्या पढ़ता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो प्रीएम्बल क्या बोलता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में, कि वी से मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए था, वी से मतलब यहाँ पर देश, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मतलब क्या है? देश की जनता, द पीपल, इनमें है संविधान की शक्तियों का स्रोत। द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजाइड्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? सरकार को शक्तियां संविधान से मिलती हैं, संविधान को शक्तियां देश की जनता से मिलती हैं। ये उस समय ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पे कहा। और हमारे देश में सॉवरेनिटी है, वी आर सॉवरेन स्टेट, वी आर सॉवरेन नेशन, और ये सॉवरेनिटी किसी गवर्नमेंट में नहीं है, सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों की सॉवरेनिटी, लोगों में सॉवरेनिटी है, क्योंकि सॉवरेनिटी स्थापित करने का काम, सॉवरेन स्टेट का काम संविधान से होता है। 26 जनवरी 1950 इंडिया रिपब्लिक होता है, और वो संविधान से जो सॉवरेनिटी स्थापित हो रही है, उस संविधान को शक्तियाँ देश की जनता दे रही है। तो सॉवरेनिटी जनता में,
लोगों में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गया ओरिजिनल प्रीएम्बल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर ऑफ द स्टेट है हमारे। कैसा होगा? सॉवरेन होगा। कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा। कैसा होगा? रिपब्लिक होगा। ब्रिटेन की तरह मोनार्किक नहीं होगा, रिपब्लिक होगा, जिसमें हाईएस्ट से हाईएस्ट ऑफिस में हर कोई एंटर कर सकता है, लाइक आर प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड प्रेजिडेंट, बट ब्रिटिश मोनार्क इज हेरिडिटरी। उनका हेड ऑफ द स्टेट क्या है? हेरिडिटरी मोनार्क। हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या है? इलेक्टेड। दैट्स वाई वी आर रिपब्लिक। हम गणा राज, हम गणों का राज्य है, राजतंत्र नहीं, मोनार्की नहीं। आई बात समझ में? ये अंतर है। डेमोक्रेटिक वो भी है, डेमोक्रेटिक हम भी हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक मोनार्की, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सिंपल सी कहानी, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। 1976 एमरजेंसी का समय, इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक के इतिहास में प्रीएम्बल का सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन से शब्द एंटर किए गए? सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ आई? ये दो शब्द एंटर किए गए, और एक शब्द और था, यूनिटी ऑफ इंडिया को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से पुकारा गया। तो